हर हर महादेव शिव शंकर भोलेनाथ। जय बजरंग बली की। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज फिर मैं आप सबके सामने हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर हमारे शास्त्रों की बात की जाए तो हमारे शास्त्रों में गाय को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, गाय को बहुत पवित्र माना गया है और कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इसीलिए गाय को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। चुपचाप गाय को खिला दे ये छोटी सी एक चीज, सात पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। गाय सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होती है। गाय के आसपास, घर के आसपास अगर गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। अगर गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से, अगर दोस्तों अगर आप गाय को प्रतिदिन भोजन कराते हैं तो घर में धन सुख शांति समृद्धि आती है। गाय को खाना खिलाने से सभी परेशानियां, सभी आर्थिक परेशानियां आपसे दूर होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसी बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। चुपचाप गाय को खिला दे ये छोटी सी एक चीज, सात पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बता रहे हैं गाय को एक छोटी सी चीज खिलाने से कैसे आप हर प्रकार की धन सुख समृद्धि सौभाग्य के मालिक बन सकते हैं और अपनी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूले मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंग बली। दोस्तों इससे भगवान शंकर का आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा ही बना रहेगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं गाय के बारे में। दोस्तों गाय के बारे में हम सब जानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गाय में और गाय को इसीलिए माता का दर्जा दिया गया है और हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं और गाय को अपनी माँ का दर्जा कह, माँ के दर्जा देते हुए माँ कहते हैं और गाय को गौ माता कहकर पुकारते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि जो लोग अपने घर से सबसे पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और उस घर में कभी भी कोई दुख नहीं आता है। घर में बनी ताजे आटे की सबसे पहली गाय को रोटी खिलाने से सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और उस घर के व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। इसके साथ ही वह धन धान्य से भरा रहता है वह घर। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सुबह उठकर नहा धोकर तरोताजा होकर के पूजा करने के बाद सबसे पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए और फिर अन्य सदस्यों को खाना खाना चाहिए। अगर आप रोटी के साथ साथ में गुड़ की डली डालकर गाय को खिलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है और रोटी खिलाने से आदमी की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है, व्यक्ति जल्दी ही अमीर हो जाता है और उस व्यक्ति के घर में और उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से राजा रंक जो हो चुका है वह भी अब रंक से राजा बन जाता है। कुत्ते को खिलाने से आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। कुत्ते को अगर आप प्रतिदिन भोजन देते हैं तो आपको सभी दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलता है, वे व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर में के सदस्यों की बीमारी भी अपने ऊपर लेता है। पितृ पक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी आपको वैसे खिलानी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। गाय को रोटी कराने से सभी तरह के काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। गाय को भोजन कराने से अनिष्ट ग्रह और शत्रु आदि का नाश होता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी माता भी आपके ऊपर मेहरबान रहती है और अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो सभी प्रकार के रोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। पक्षी के बारे में बात की जाए तो पक्षी को अगर आप दाना खिलाते हैं तो इससे आपके व्यापार नौकरी आदि में आपको लाभ होता है। घर में खुशियां बढ़ती हैं, व्यक्ति के खुशियों के द्वार खुल जाते हैं। इसके अलावा चींटी को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से अगर आप आटा खिलाते हैं तो आपका कर्जा जल्दी उतर जाता है और धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मछली को खिलाने से बढ़ती है आपकी मान सम्मान, यानी कि दोस्तों अगर आप मछली को खाना खिलाते हैं या आटे की गोलियां खिलाते हैं तो आपका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसी के साथ आपको चावल दाल बाजरा जो आपको हो सके, जितना भी आपका हो सके, वह आपको पक्षियों आदि को जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है आपके घर को और कभी भी आपको पैसों की तंगी नहीं रहती है और कभी भी दुश्मन आदि से आपको कोई भी भय नहीं रहता है।
आपका जीवन आप बिल्कुल निडर होकर के गुजार सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।